ओमिक्रॉन का खतरा जो है बना हुआ है, लेकिन देखिए डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए साथ हमारे डॉक्टर अनिल नौसरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू। डॉक्टर अनिल, जिस तरह से देखिए भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कितना ज्यादा डरने की जरूरत है या फिर हमें काम रहने की बहुत जरूरत है? देखिए, सबसे पहले डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये कोरोना का ही एक वेरिएंट है, आरएनए वायरस है। इसमें म्यूटेशन होते रहते हैं और आगे भी म्यूटेशन होंगे और इसी तरीके से अलग अलग नामों से आते रहेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी सावधानी ये है कि भीड़ वाले इलाकों में, हॉस्पिटल्स में जहां बड़ी गैदरिंग है, वहां कम से कम जाए, और अगर जाना भी पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें जी, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये एहतियात रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी तक ये भी नहीं आया है इसका, ओमिक्रॉन का, कि ये इसकी से इन्फेक्टिविटी कितनी है, इसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या है। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। बस यही है कि क्योंकि ये कोई भी सांस की बीमारी होती है तो उसमें अपना मास्क का इस्तेमाल करें और बचाव करें, और पैनिक होने की जरूरत नहीं, जो सबसे बड़ी बात है, पैनिक जी बिल्कुल पैनिक ना हो। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, लेकिन देखिए अभी तक 41 मामले सामने आ चुके हैं, 41 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन सभी का अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक क्या ये पता चल पाया है कि सबसे ज्यादा किस चीज पे इफेक्ट करता है? क्योंकि देखिए सेकेंड वेव में हमने देखा था कि लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत हुई, तो क्या अभी तक ये पता चल पाया है कि इस वेरिएंट में सबसे ज्यादा किस चीज पर असर ये करेगा? देखिए बहुत इस जो भी ये वायरस है, अभी आप बता रहे 41, मैंने भी जितने भी स्टडी किए हैं, जितने भी पेशेंट है, अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई ओमिक्रॉन की वजह से। और जो सिम्टम भी, जैसे कि कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी उसमें क्या हुआ था कि लंग्स के अंदर जो माइक्रो वेसल्स होती है उसके अंदर थ्रोम्बस बना था, ब्लड क्लॉट बने थे, जिसकी वजह से एकदम ऑक्सीजन का लेवल डिप हुआ था। लेकिन इस ओमिक्रॉन में कुछ अभी तक जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं जिस बीमारी से, उसमें कोई डिसेंट्री के सिम्टम नहीं आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया भी तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, बेड की प्रॉब्लम पड़ गई, डेथ हो रही है, तो ऐसा मुझे लगता है जी। यानी कि डॉक्टर अनिल ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से WHO की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि ये कंसर्न ऑफ वेरिएंट है, इस पर बहुत ज्यादा घबराने की, मतलब बार बार कहा जा रहा था कि सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं तो उस तरह से लग रहा है कि बिल्कुल ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अगर सावधानी बरतेंगे तो बच सकते हैं हम इस वेरिएंट से। मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ में ना जाएं, और सब जो दूसरी चीज है, जो इम्यूनिटी बनती है बॉडी की जी, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। और इम्यूनिटी किसी चीज से नहीं बनती है, कोई टेबलेट खाने से इम्यूनिटी नहीं बनती है, इम्यूनिटी बनती है वेजिटेबल्स खाने से, फ्रूट्स खाने से, और एक्सरसाइज करने से, और टाइम से सोने से, टाइम से उठने से जी। अगर ये फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनेगी और कोई भी इन्फेक्शन होगा उसको हमारी बॉडी फाइट करेगी और हमें बचाएगी। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि किस तरह से इम्यूनिटी बनती है, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव में जब बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे थे तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा था कि लोग तरह तरह के टैबलेट्स खा रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो फॉलो करेंगे आपकी एक एक बात का, और इसीलिए हम कोरोना से बच सकेंगे और कोरोना को ये वेरियंट, नए वेरियंट को मात दे सकेंगे। तो डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में लगातार आपको कोरोना को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है वो बता रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर अनिल नौसरन यहां पर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम बातें कही, तमाम जानकारियां दी कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है, तभी हम इस वेरिएंट से बच सकते हैं।